सो हेलो एवरीबॉडी, आप एक स्क्रीन राइटिंग कर रहे हो तो स्क्रीन राइटिंग के लिए आपको क्या, आपको एक डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपको याद रखनी है एंड कौन सी चीज पे आप बेस पे आप बना रहे हो। जैसे कि स्क्रीन राइटिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। अगर जब कर चुके हो एंड ज्यादातर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कौन सी बात आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि हेडलाइन, जो जैसे कि न्यूज वाले भी यूज करते हैं हेडलाइन। हाँ, वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है जो पॉजिटिव है। एक हेडलाइन डिसाइड करिए, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, आपने काफ़ी सारे ऐसी बाहुबली मूवी देखी होगी, सर बाहुबली की हेडलाइन क्या हो सकती है? पुराना पैलेस वाली जगह, किंग, प्रजा, तो ये सब हेडलाइन है। तो ऐसी इसी टाइप से एक स्क्रीन राइटिंग की अगर शुरुआत करना चाहता तो आपको कैसे वो स्क्रीन से शूटिंग भी करना पड़ता है। तो इसी टाइप्स के स्क्रीन का जो भी शॉट आप लिख रहे हो उसका एक हेडलाइन बना लीजिए। जैसे कि फर्स्ट शॉट बना रहे हो तो फर्स्ट शॉट का हेडलाइन क्या होता है, एक किंग, क्वीन, एक्शन, फॉरेस्ट, तो ये सब एक कहानी की एक हेडलाइन है। हर स्क्रीनिंग प्ले की आप एक हेडलाइन डिसाइड करिए, जो हेडलाइन के हिसाब से स्क्रीन का शूटिंग भी होगा एंड इसी टाइप से। तो हो सके इतना अगर जब स्क्रीन राइटिंग कर रहे हो तो इस टाइप की एक हेडलाइन डिसाइड करिए और हेडलाइन लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। काफ़ी सारे ऐसे स्क्रीन राइटर है जो अपनी स्क्रीन मेल पे भेजते हैं, मतलब मैं उसमें हेडलाइन नहीं होती तो ज़्यादा तक उसको दिखा नहीं जाता है, ज़्यादा तक रिजेक्शन होता है। इसी टाइप से एक शॉर्ट फिल्म बनाओ, म्यूजिक वीडियो बनाओ, वेडिंग बनाओ या यूट्यूब वीडियो बनाओ, हर चीज़ की एक हेडलाइन होती है, तो हेडलाइन हिसाब से काम करना है। एंड देन सेकेंड टिप्स, एक्शन लाइन। एक्शन लाइन में क्या होता है कि आप अपने कैरेक्टर को क्या बोलना है, क्या डायलॉग बोलना है, वो होता है एक एक्शन लाइन। वो एक्शन लाइन जैसे जो भी कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है या जो भी वेडिंग में आपको किसी ब्राइड ग्रूम का या स्पीच लेना है या यूट्यूब में कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है उसका एक एक्शन लाइन होता है। तो एक्शन लाइन में एक कैरेक्टर को डिसाइड करने का होता है कि उससे क्या बोलना है, तो क्या बोलना है उसका बुलेट पॉइंट होता है, तो बुलेट पॉइंट के हिसाब से वो बोलेगा ताकि उसको बोलते हैं एक एक्शन लाइन। तो स्क्रीन राइटिंग में एक एक्शन लाइन करके एक फोल्डर बनता है, तो उसमें आप जो भी कैरेक्टर, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखा जाने के बाद की प्रोसेस है, उसमें एक एक्शन लाइन होती है। एक्शन लाइन में अपना जो मेन कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर, जो मूवी में जो हीरो होता है, जो हीरोइन होती है, तो वही सबसे लीड कैरेक्टर वाले सारे एक्शन प्ले लिस्ट में जाते हैं। सो ये एक्शन लाइनिंग में जो भी कैरेक्टर जो भी बोल रहा है उसके अंडर पूरा उसका स्क्रीन का राइटिंग होता है। तो हो सके एक एक्शन फोल्डर बनाइए या एक्शन लाइन का फोल्डर बनाए, उसमें अपने कैरेक्टर को क्या बोलना है वो सब उसके अंदर टाइपिंग किया जाता है एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद। एंड थर्ड टिप्स होती है प्रेथेंटिकल। प्रेथेंटिकल एक स्क्रीन राइटिंग का भाग है। प्रेथेंटिकल, ये प्रेथेंटिकल में जो भी कैरेक्टर ऐसा छोटा बड़ा रिएक्शन देना है या छोटा बड़ा बोलना है, जैसे कि आपने हीरो जब भी बोल रहा है, जो उसके बाजू में उसका फ्रेंड होता है या उसका ग्रुप का बंदा होता है, वो हीरो को बोलता है कि यस सर आप सही बोल रहे हो, जो भाई ने बोला वही सही है। ये सब छोटी बड़ी लाइना जो बोली जाती है वो सब सारे प्रैक्टिकल का फोल्डर में होता है। सो जिस टाइप से एक स्क्रीन राइटिंग में जो हेडलाइन होती है, एक्शन लाइन होती है, इसी टाइप से एक प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल में काफी सारे ऐसे जुड़े हुए हैं और काफी सारे ऐसे छोटे बड़े डायलॉग होते हैं, वो सारा डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर को कौन सी लाइन बोलनी है। तो इसी टाइप से एक प्रैक्टिकल के फोल्डर में ऐसे इस टाइप से एक स्क्रीनिंग बोली जाती है, इस टाइप से एक आवाज दी जाती है जो एक डिसाइड होती है कि जो प्रैक्टिकल को कैरेक्टर को बोलना रहता है। तो इसी टाइप से आपके काफी सारे ऐसे शॉर्ट फिल्म में भी यूज कर सकते हो, एक स्क्रीन का भाग है कि इसी टाइप से एक स्क्रीन राइटिंग को आप एक अच्छे से डिसाइड कर दो, अच्छे से एक मूवी तैयार कर सको। एंड देन ये मेरा फोर टिप्स, ट्रांजेक्शन। हाँ, शूटिंग की अलग बात है, शूटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन, मैं उसकी बात करने को, स्क्रीन राइटर को ट्रांजेक्शन कहाँ देना है, जैसे कि एक्शन फाइट बाद, जैसे कि बॉलीवुड में काफी सारे ऐसा देखा होगा, एक्शन फाइट बाद डायरेक्ट सॉन्ग होता है, एक सीन में हीरो एक्शन कर रहा है और उसके तुरंत ही सेकंड सीन में वो डांस कर रहा है। तो इसी टाइप के आपके काफ़ी सारे ऐसे कॉमर्शियल मूवी, क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ और मैं सिर्फ बॉलीवुड की बातें करूँगा, क्योंकि ये नहीं कि मैं वर्ल्ड वाइज फिल्मोग्राफी की बातें करूँगा। एक बॉलीवुड में जो कल्चर चल रहा है, बॉलीवुड में जो भी हम हिंदी सिनेमा को फिल्म देखते हैं, तो उसी टाइप से एक ट्रांजेक्शन होता है, जो स्क्रीन राइटिंग में भी एक ट्रांजेक्शन होता है। तो एक स्क्रीन राइटिंग में ट्रांजेक्शन हो सके इतना डालिए, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर आप एंग्री कैरेक्टर को कॉमेडी दिखा रहे हो तो उसके बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन के बीच
में आपको क्या डिसाइड करना है, कैसे उसको यहाँ से ये प्लेटफॉर्म पे ये प्लेटफॉर्म पर जाना है। हाँ, एडिटिंग में ज़्यादा तक डिजोल्व, ब्लैकआउट, ब्लैकफेड ये सब डाल के ट्रांजेक्शन दे देते हैं, मतलब मैं हो सके इतना स्क्रीन राइटिंग में ऐसा डिसाइड करना है या छोटी बड़ी ऐसी स्टोरी डिसाइड करने के आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में एक ट्रांजेक्शन मिले, ना कि कोई हीरो ऐसा एक्शन कर रहा है और उसको ऐसा बॉडी में ऐसा ब्लड निकल रहा है एंड सेकंड सीन में वो कॉमेडी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा डायरेक्ट एकदम से स्क्रीन राइटिंग को दिखा नहीं सकता, मैंने डायरेक्टर भी कन्फ्यूज होगा। तो स्क्रीन राइटिंग में ऐसा एक छोटी बड़ी एक स्टोरी डाल लीजिए जो एटलीस्ट एक मिनट की भी क्यों ना हो, एक मूवी को एक ट्रांजेक्शन मिलता है जो आप स्टोरी राइटिंग में दिखा सकते हैं। तो इसी टाइप से एक ट्रांजेक्शन दे दीजिए कि एक स्टोरी एक से दूसरे में जंप करने के लिए ऐसा कुछ डिस्टर्ब ना हो, एक ट्रांजेक्शन रखना जरूरी है। एंड देन ये मेरी 5 टिप्स वॉइस ओवर तो एक स्क्रीन राइटर का भाग नहीं होता है, नहीं, एक स्क्रीन राइटिंग का भाग होता है। कौन सी चीज़ वॉइस ओवर में बोली जानी चाहिए, कौन सी चीज़ ऑन सेट बोली जानी चाहिए, जैसे कि प्री वेडिंग, म्यूजिक वीडियो, फिल्म, शॉर्ट फिल्म सब में यूज़ कर सकते रहो। एक वॉइस ओवर का पार्ट एक स्क्रीन राइटर का होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा डायलॉग वॉइस ओवर में बोला जाना चाहिए और कौन सा डायलॉग ऑन सेट बोला जाना चाहिए, वो सारा स्क्रीन राइटिंग का प्ले का भाग है। इस ऐप से अपने स्क्रीन राइटिंग में एक वॉइस ओवर का फोल्डर होता है, उसमें कौन सा सारे डायलॉग लिखे जाते हैं, कौन से डायलॉग को आपने देखा होगा फिल्म में, काफ़ी सारे डायलॉग ऐसा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो डायलॉग 2 से 4 बार एक मैसेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो इसी टाइप से एक स्क्रीन राइटर में वॉइस ओवर के पार्ट में पूरा डायलॉग वॉइस ओवर हो जाता है, जो प्रोफेशनल उसकी आवाज निकालने के लिए एक वॉइस ओवर का पार्ट है। तो इस ऐप से आपको डायरेक्टर को ऐसा दिखा तो कि ये सारी चीज मुझे वॉइस ओवर में चाहिए क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट डायलॉग है। तो इसी टाइप से एक वॉइस ओवर का फोल्डर में आपके सारे डायलॉग उसी में पेस्ट मारिए, क्योंकि वॉइस ओवर का पार्ट काफी बेहतरीन है और काफी इंपैक्ट पड़ता है मूवी में। एंड देन ये मेरी लास्ट एंड 6 टिप्स कैमरा एंगल। आप अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टर अपना काम करता ही है, एक स्क्रीन राइटर का काम है क्योंकि उसने पूरी कहानी देखी हुई है, उसने कौन सा लॉजिक से देखी हुई है, इसी टाइप से आप एक उसको कैमरा एंगल डिसाइड करने का एक सजेशन दे सकते हो, कौन से एंगल से वो शॉट लेना है, क्योंकि कहानी आपके दिमाग में है, लॉजिकल आपके दिमाग में है क्योंकि आपने लिखी हुई है, तो आपने कौन से कैरेक्टर को क्या एंगल से सोचा है और कौन से एंगल से उसको डायलॉग बोलता सोचा है, कौन से एंगल से उसको फाइट करता सोचा है, वो एंगल लिखना जरूरी है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 100% लिखना ही लिखना है, वरना डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से आप एक सजेशन के हिसाब से एक स्क्रीन राइटर को इतना जरूरी है कि अपना कैमरा एंगल लिखना जरूरी है, कि हो सके कि आपके कैमरा एंगल से बेहतरीन शॉट आ जाए, क्योंकि जो आपने सोचा है वही विजुअलाइज मूवी में दिखाना है। तो इसी टाइप से एक कैमरा एंगल लिखना जरूरी है। तो इसी टाइप से एक स्क्रीन राइटिंग की शुरुआत होती है। अगर आपने पूरी स्क्रीन लिख दी है तो पूरी स्क्रीन को आप इस टाइप से ये 6 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो एंड फिर अपने डायरेक्टर के पास जा सकते हो ना, अपना डायरेक्टर उसको अच्छे से शूट करेगा एंड अच्छे से उसको पब्लिशाइज करेगा। तो इसी टाइप से एक स्क्रीन राइटर का भाग होता है, इसी टाइप से एक स्क्रीन लिखी जाती है, लिखने के बाद ये 6 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यही चीज है जो एक परफेक्ट डायरेक्शन होता है, परफेक्शन प्लानिंग होता है एंड परफेक्शन प्लानिंग से की हुई चीज हमेशा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आई होप यू विल बी लाइक फॉर दिस, ये डीपली टिप्स है, ये टिप्स ज्यादा तक आपको दिखाई नहीं देगी किसी भी यूट्यूब पे या कभी भी कोई बोलता नहीं है। अगर आप एक फिल्म मेकर हो तभी आप यहाँ तक देख रहे हो मेरे को, ऑब्वियसली बात है, और आप स्क्रीन राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हो और आगे फ्यूचर में सीखना जरूरी है। ये सब कुछ मैंने कम चीज की हुई है, ये सब कुछ स्क्रीन राइटिंग के ये सब कुछ मैंने बहुत कम चीज किया, मतलब मैंने सीखी हुई है और इसी टाइप से मेरे काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी मेरे सक्सेसफुल हुए हैं। सो आई होप यू विल बी लाइक फॉर दिस, ये मेरी डीपली और लॉजिकल कन्वर्सेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सिर्फ ये काफी मेरे से प्ले लिस्ट में मैंने फिल्म मेकिंग के प्ले लिस्ट में मैंने काफी सारे ऐसे डीपली वीडियो बनाई हुई है जो स्टोरी टेलिंग के हो, स्क्रीन राइटिंग के हो एंड फिल्म मेकिंग के टिप्स के। तो आई होप यू विल बी लाइक फॉर दिस चैनल, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को फॉलो कर लीजिए, वहीं पर मैं काफी सारी ऐसी छोटी बड़ी टिप्स डालता रहता हूँ। ऑफिशियली मैं प्रोडक्ट वीडियो शूट करता हूँ, फोटोग्राफी कम करता हूँ, कॉमर्शियल वीडियो शूट करता हूँ। सो आई होप यू बी लाइक फॉर प्रोडक्ट कॉमर्शियल वीडियोग्राफी शूट, उसके मैंने बिहाइंड द सीन भी काफी सारे बनाए हैं, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता हूँ। एंड आई होप यू विल बी लाइक फॉर, सो दैट्स बी अपडेट सेट, मिलते हैं इसी टाइप से। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पीस, खुदा हाफिज़।